भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंत हुयो नाम है हमाओ सचिन चौधरी। आमतौर पे कोनू भी खबर चलावे के पहले हम आपसे कहूँ नहीं कत कई खबर को शेयर करियो, लेकिन आज आप लोगों से जरूर निवेदन है कई खबर को हर हाल में शेयर करियो। काय के जा खबर हिंदुस्तान के आम आदमी से जुड़ी है, जा खबर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आम आदमी से जुड़ी है और उन सब लोगों से जुड़ी है जो रोजमर्रा की जिंदगी में दो चार हो रहे बड़ी समस्या से। जो समस्या है ट्रेन नहीं चलने की। दरअसल कोरोना के काल के बाद अभी तक मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाका मान लो या महाकौशल मान लो या दो ही प्रदेश के ज्यादातर बड़े हिस्सों में पैसेंजर ट्रेनें नहीं चल रही, इंटरसिटी ट्रेनें नहीं चल रही और यही वजह से जो रोज के कमावे खावे वाले या फिर पढ़ाई लिखाई करवे वाले लोग हैं वे बेहद परेशान हो रहे। और कोरोना के काल में जब लोगों की आमदनी पर असर पड़े, लोग आर्थिक तौर पे भी मुश्किलें लगातार झेल रहे थे तब से लेके अभी तक अब ट्रेनें चालू काय नहीं हो रही, ई को लेके बड़े सवाल हैं। दरअसल अगर बुंदेलखंड और महाकौशल या चंबल इलाके की ये बात करें तो इन इलाके में चाहे ग्वालियर की बात करें, चाहे झांसी की करें, चाहे सागर की करें, चाहे दमोह की करें, चाहे जबलपुर की करें, छतरपुर की करें, बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो अपने काम के लाने घर से ट्रेन से दूसरी जगह जाऊती 1.5-2 घंटा के सफर के लाने, तमाम सारे जो विद्यार्थी हैं जो कोचिंग पढ़ रहे हैं या स्कूल में हैं कॉलेज में हैं वे इन ट्रेनों को उपयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात जा है कि इनमें न केवल समय की बचत हो बल्कि दुर्घटनाओं को अंदेशा भी कम हो और पैसा की तो अच्छी खासी बचत होती है। कम किराए में ठिकाने पर पहुंच जात और लोगन को राहत मिल जात ट्रेनन से। लेकिन कोरोना के बाद से लगातार ट्रेनें बंद हैं और इन ट्रेनों को अभी तक चलावे की कोई प्रक्रिया समझ में नहीं आ रही कि काय ये ट्रेनें नहीं चल रही। बड़ी बड़ी कई ट्रेनें चालू भई हैं लेकिन भी रोजमर्रा के यात्रियों के लाने बिल्कुल नहीं आ। और जो रोजाना के कमावे खावे वाले या फिर दैनिक वेतन भोगी या फिर नौकरी पेशा या छात्र लोग हैं उनको खासी तकलीफों को सामना करने पड़ रहा हो। हम आपको कुछ ऐसी ट्रेनों के नाम गिना रहे जिनको आपको जब सुनो सो अपने आप लगे कि इनसे इनके बिना भी जीवन कैसे चल पा रहा हो, वो वाकई बहुत सोचनी है। आदमी टैक्सी टेम्पू को इतना किराया कैसे दे, कारों को इतना किराया कैसे दे या फिर मोटरसाइकिलें अपनी उठा उठा के 100-150-200 किलोमीटर लोग सफर करने पर मजबूर हैं और सरकारें मौन हैं और ना तो आपके इलाके के जनप्रतिनिधि पे कोनू बात कर रहे हैं, ना आपके इलाके के विधायक कोनू बात कर रहे हैं, ना सांसद बात कर रहे हैं, सबके सब मौन हैं, पतो नहीं काय हैं। और कछु ऐसी ट्रेनों के नाम हम आपको गिनावे वाले हैं जो सुनते ही साथ आपको दिमाग खुल जाए कि यार आखिर हो का रहो जो। बांदा झांसी पैसेंजर ट्रेन, टीकमगढ़ झांसी पैसेंजर ट्रेन, कानपुर सेंट्रल झांसी पैसेंजर ट्रेन, खजुराहो झांसी पैसेंजर ट्रेन, झांसी आगरा पैसेंजर ट्रेन, इलाहाबाद झांसी पैसेंजर ट्रेन, झांसी इटारसी पैसेंजर ट्रेन, झांसी बीना पैसेंजर ट्रेन, बिलासपुर भोपाल पैसेंजर, सागर कटनी पैसेंजर, दमोह बीना पैसेंजर, कटनी बीना पैसेंजर, इंटरसिटी एक्सप्रेस में भी झांसी लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस, महामना एक्सप्रेस भोपाल से खजुराहो तक और रीवा इंदौर इंटरसिटी समेत तमाम सारी ट्रेनों को संचालन फिलहाल बंद है। तो इतनी सारी ट्रेनें नहीं चल रही और इन ट्रेनों के नहीं चलने से रोज आना हजारों लोग लाखों लोग परेशान हैं। इनकी सुनवाई को नहीं कर रहो, इनकी मुश्किलन पे को ध्यान नहीं आ, चाहे वे विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे नेता हों, चाहे मंत्री हों, कौन सुनवाई नहीं आ। यहाँ सागर रेलवे स्टेशन पे एक ज्ञापन देने आया था कि हमारी ट्रेन की मांग है कि ट्रेन पैसेंजर ट्रेन चलाई जाए, जो कि हम लोग दमोह से सागर अप डाउन करते थे। हम कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हमारे जैसे कई छात्र हैं जो कि इंजीनियरिंग फार्मेसी नर्सिंग कर रहे हैं, जो कि दमोह से सागर अप डाउन करते पथरिया से करते हैं, उनको बहुत जेब पर बहुत असर पड़ रहा है। 300-400 रुपये तो उनको आने जाने का लगता है, जो कि ट्रेन में हम लोग को कम लगता था। ट्रेन में हम लोग को MST मासिक पास में 400 रुपये बनता था, बट वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो हमारा आप लोग से सब सभी से यही निवेदन है कि हम लोग की MST बनाएं और ट्रेनें चालू करवाएं। जो भी गरीब जनता है वो बहुत परेशान हो रही है, हम लोग जैसे स्टूडेंट बहुत परेशान हो रहे हैं। हम लोग का जिम्मेदार कौन रहेगा, हमें उसका जवाब चाहिए। कोई जवाब नहीं देता है, सब शांत हैं। सरकारें पतो नहीं का चाह रही, कोरोना को हवाला दो जा रहा तमाम सारी समस्याओं को लेके, लेकिन ना तो चुनाव के लाने कोरोना फैलत, ना तो बड़े बड़े आयोजन के लाने कोरोना फैलत,
धार्मिक कार्यक्रम भी अब सब शुरू हो गए, बड़ी ट्रेनें भी शुरू हो गई, लेकिन जी चीज से आम आदमी को सबसे ज्यादा समस्या है, जी की सबसे ज्यादा जरूरत है, ऊ के लाने के लिए कोरोना फैल जा रहा। तो हे सरकार, निवेदन है आपको के आम आदमी की सुनवाई करो, ये ट्रेनें चालू करो। बाकी लोग बेहद परेशान हैं, महीनों से परेशान हैं, आर्थिक तौर पे भी, मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी। राम राम। बुंदेली को छाड़ की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके